हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए। न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि जिन निवेशकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा अनुरोध है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। सहारा ने अपने पैर में खुद मारी कुहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह हेडिंग है। सही बात यह है कि सारा श्री दूरदर्शिता की जगह अपने हितों और स्वार्थ के भाव ज़्यादा थे। तीसरे भाव के बाद में बात करेंगे, पहले हम आपको इन दोनों भाव के बारे में बताते हैं। सहारा श्री ने खुद के हितों और स्वार्थों पर ज़्यादा ध्यान दिया। दोस्तों, परेशानी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी आ जाती है, जिससे लड़ने के लिए त्याग भाव और सहनशीलता की ज़रूरत होती है, जिससे अपनी कठिन ज्या दोस्तों जिससे कठिन परिस्थितियों से निकलने के और रामबाण का काम करती है। अगर आपके अंदर सहनशीलता होती तो ये परिस्थिति आपके लिए नहीं बनती। लेकिन सुब्रत राय में ये सब नहीं पाया गया। 2010 में सेबी की छोटी सी कार्रवाई से वह अपने बुद्धि बल और विवेक से काम नहीं ले पाए। दोस्तों, बात छोटी करके बताते हैं, सहारा श्री ने 2010 में सहारा की 12-14 इकाइयां जो चल रही थी, उनमें से केवल दो पर ही प्रतिबंध लगा था, बाकी सभी इकाइयों पर कोई प्रतिबंध सेबी द्वारा नहीं लगाया गया था। पर सहारा श्री की गलत नीतियों और अपनी चालाकी के कारण वह भंवर जाल में फंसते चले गए और जो इनकी बाकी की इकाइयाँ थी दोस्तों, सेवी विभाग ने केवल दो इकाइयों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन बाकी की जो इनकी 12 इकाइयां थी वो इनकी चालाकी में डूब गई, जिसमें निवेशक कोई भी निवेश नहीं कर रहे हैं। जी दोस्तों, जो इकाइयां इनकी बची उनमें कोई किसी तरह का निवेश नहीं जा रहा है। इस टाइम कोई नया बिजनेस नहीं किया जा रहा है, उल्टा जो निवेशकों ने उनमें पैसा जमा किया था वह निकालने के लिए परेशान है। नया बिजनेस कलेक्शन आना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि 2012 में सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो गई थी, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दोनों प्रतिबंध इकाइयों के निवेशकों का पैसा तुरंत लौटाने का हुक्म दिया था। लेकिन सहारा श्री की आदत है, वह हार नहीं मानते, जिसका परिणाम यह भयानक रूप ले गया, खुद के लिए भी वह और गरीब निवेशकों के लिए भी। दोस्तों, हुआ यूँ कि सहारा श्री ने सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे दी और सेबी से कानूनी लड़ाई लड़ने में लग गया। सेबी को कानूनी लड़ाई में उलझाकर अपने हितों को स्वार्थों को जहाँ दोस्तों अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में लग गया। दोनों इकाइयों के निवेशकों के साथ कन्वर्ट जैसा एक घिनौना चाल इसने चली। बस यही गलती सहारा करने कर दी। दोस्तों, 2012 में सहारा श्री अगर बुद्धि विवेक से काम लेते तो इतनी बड़ी परिस्थितियाँ उनके सामने आकर ना खड़ी होती और ना उनको जेल जाना पड़ता, और जो इनके चरित्र पर यह दाग लगा है वह दाग भी न लगता। दोस्तों, काश सहारा श्री ने सुप्रीम कोर्ट का कहना माना होता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों इकाइयों का पैसा निवेशकों को तुरंत लौटा दें। अगर सहारा श्री उस वक्त एक सम्मानित नागरिक की हैसियत से 2012 में ही निवेशकों का पैसा लौटा देते तो आज म्यूचुअलिटी फंडों में उनकी स्कीमों पर डबल मुनाफा होता, जो आज बिना प्रतिबंध के खुद को गलत फैसलों की भेंट चढ़ा गए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो हमारे स्टी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आगे खबर है कि एजेंट और गरीब निवेशकों की खुद खुशियाँ करने से। जी हाँ दोस्तों, जो गरीब एजेंट थे उन गरीब एजेंटों ने अब तक 250 से ज़्यादा एजेंटों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं और इस तरह से सहारा श्री के सफेद आचरण पर खून के छींटे नजर आने लगे। जी हाँ दोस्तों, अगर सहारा श्री ये चालाकी ना करते तो वे एक युग पुरुष कहलाते, जैसे कि मदर टेरेसा को अमर गति प्राप्त हुई है, आज उन्हें सारी दुनिया याद करती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से सहारा श्री अगर मरने के बाद इन्हें लोग युग पुरुष कहते, लेकिन दोस्तों ये इन्होंने अपना मान सम्मान सब कुछ यहाँ अपने स्वार्थों के कारण खो दिया। फिल्मी हस्तियों के साथ पार्टियाँ कर अपनी कोई छवि साफ नहीं कर सकते, जो इनके
दावन पे छींटे लगे हैं, वो छींटे साफ नहीं हो सकते। दोस्तों हमारे देश में भिखारियों के पास भी पैसा है, करोड़ों पाया जाता है, और इज्जत इज्जत बहुत मुश्किल से बनती है दोस्तों। इन्होंने अपनी इज्जत शोहरत सब कुछ दांव पे लगा दी, यहाँ तक कि सहारा निवेशकों के जितने पैसे थे उनको लेकर कन्वर्ट कर अपने बिजनेस में लगा दिए। दोस्तों ये न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो हमारे एस टी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।